बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे यूट्यूब वीडियो के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा पार्ट है जो मुझे लगता है ज़रूरी है बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ करना हर किसी को। डिपेंड करता है वीडियो टू वीडियो, कई बार हम लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं जहाँ पर ऑडियो सैंपल यूज़ करे जाते हैं या फिर कुछ अलग टाइप की वीडियो जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, और ज़्यादातर केस में ज़रूरी होता है बैकग्राउंड म्यूजिक। और एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल है, और फ्री ऑफ कॉस्ट ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैं आज तक अपने YouTube वीडियो के अंदर जितने भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ कर रहा हूँ सारे कंप्लीटली फ्री हैं, कॉपीराइट फ्री हैं, और मुझको उसके पैसे भी नहीं देने पड़े। मैंने आज तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ना ही मैंने आज तक किसी बैकग्राउंड म्यूजिक क्लिप पे किया है, तो मैं अपने बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेता हूँ? आप भी वहाँ से ले सकते हो। मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हो जिसमें आपको कॉपीराइट का भी इशू नहीं आएगा, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और मेरे टॉप 10 फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक जो मैं यूज़ कर रहे हैं पास में, जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं अपने कंप्यूटर में अलग से ताकि मैं उसको फ्यूचर में यूज़ करूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप भी अपनी YouTube वीडियो को और बेटर करना चाहते हैं एक अच्छे बैकग्राउंड की हेल्प से, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आगे इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ तीन तरीके शेयर कर रहा हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री डाउनलोड करने के लिए और यूज़ करने के लिए। सबसे पहला तरीका हमारा थोड़ा अनसेफ है, ज़्यादा सेफ नहीं है। दूसरा तरीका हमारा और ज़्यादा सेफ होगा। तीसरा तरीका कम्प्लीटली सेफ होगा। लेकिन जो पहला तरीका मैं शेयर कर रहा हूँ इसमें आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, अलग अलग नए नए टाइप के बैकग्राउंड म्यूजिक मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। वो क्या है? साउंडक्लाउड। साउंडक्लाउड हो सकता है आप लोगों ने बहुत ने सुना होगा लेकिन यूज़ नहीं किया होगा। मैंने भी नहीं किया था, सुना था सिर्फ। बट जब मैंने यूज़ किया तब मुझे बहुत से अच्छे अच्छे ऑप्शन मिले। ठीक है, साउंडक्लाउड ओपन कर लेते हैं। साउंडक्लाउड सर्च करना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना, लॉगिन उसके बिना नहीं कर सकते हो। तो साउंडक्लाउड में अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली ये चीज़ करनी है, आपको सर्च में जाके कुछ भी लिखना है, जैसे फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक या ऐसा कुछ, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर यूट्यूब जैसे ऑलरेडी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर वीडियोज, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे ऐसा, बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर यूट्यूब। तो आपको इस पर क्लिक करके आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे बैकग्राउंड म्यूजिक के, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, क्रिएटर्स मिल जाएंगे, जो आर्टिस्ट मिल जाएंगे जो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिनमें से आप म्यूजिक सुन के डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको, क्रिएटर्स मिल जाएंगे, अकाउंट मिल जाएंगे जहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, और अच्छे रहते हैं म्यूजिक, काफ़ी अच्छे रहते हैं ट्रैक। ठीक है, यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ क्या कर लेना, पहले यूज़ करने से पहले अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाले हो जहाँ से आपको लगता है कि वो वीडियो मेरी बहुत आगे जाएगी, मतलब मैं उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फ्यूचर में, तो एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना जो क्रिएट ओरिजिनल आर्टिस्ट है वीडियो का, उससे कॉन्टैक्ट कर लेना जिसने क्रिएट करा है वो ट्रैक, उससे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट करा रहता है, मैंने ऑलरेडी इनका म्यूजिक यूज़ किया था, तो मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया था, इनसे पूछा था, तो उन्होंने मुझे बोला था यूज़ कर सकते हो, तो उसके बाद मैंने यूज़ किया। और अगर मैं अपने टॉप 3 फेवरेट आर्टिस्ट बताऊँ इसके अंदर साउंडक्लाउड के अंदर, सबसे पहला इक्सन IKSON, सेकंड फंकी फैला, और थर्ड जिमी स्क्वायर। इन तीनों आर्टिस्ट के ट्रैक यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाके म्यूजिक बाय के अंदर लिख देना है इनका नाम, जो भी इसका ट्रैक यूज़ कर रहे हो उसका नाम, और साथ ही साथ आर्टिस्ट का नाम जिसका म्यूजिक उठा रहे हो। ठीक है, इतना सा कर रहा है, मैं भी करता हूँ। अगर इस डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको भी किसी ना किसी का मिलेगा कि क्रेडिट दे रखा है मैंने। तो सबसे पहल था यहाँ पर हमारा साउंडक्लाउड, जहाँ पर आपको बहुत से ट्रैक मिल जाएंगे, बहुत से बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे जिनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो एक बार कन्फर्म कर लो आर्टिस्ट से कि हाँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, अगर आपको ग्रीन सिग्नल दे दे तो यूज़ कर सकते हो। तो अब दूसरा तरीका जहाँ से हम बैकग्राउंड म्यूजिक लेंगे और ज़्यादा सेफ है जो पिछले वाले से, वो है हमारा YouTube.com। YouTube.com के अंदर बहुत से YouTube चैनल हैं जिनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं बताऊँ यहाँ पर सबसे पहला हमारा था NCS, नो कॉपीराइट साउंड। आपको और भी बहुत से चैनल मिल जाएंगे, मैंने पास में कुछ चैनल यूज़ करें, किसी कुछ ट्रैक यूज़ करें उन लोगों के, मुझको आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी आई है, कुछ रेयर केसेस में आई है, तो इसको यूज़ कर सकते हो। NCS है, बहुत से और चैनल में, सारे मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ 4-5 चैनल के लिंक डाल दूंगा, उनको जाके ट्राई कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो म्यूजिक, जो अच्छा लगे सुनने के बाद उनको यूज़ करो अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए। अब यहाँ पर तीसरा तरीका और सबसे ज़्यादा सेफ तरीका, कम्प्लीटली जो सेफ है, जहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है फ्यूचर में, अभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो है हमारा YouTube ऑडियो लाइब्रेरी। बहुत ने सुना होगा, बहुत ने यूज़ करा होगा। यहाँ पर आपको फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक, फ्री साउंड इफेक्ट, सब कुछ मिल जाएगा। जाकर देखो कैसे ओपन करना है, अपने YouTube स्टूडियो ओपन करो। YouTube स्टूडियो ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको YouTube ऑडियो लाइब्रेरी मिल जाएगा। ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक करके ओपन हो जाएगा ऑडियो लाइब्रेरी हमारा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, क्रिएटर स्टूडियो से नहीं करना चाहते, तो गूगल पे सर्च करो YouTube ऑडियो लाइब्रेरी, सेम चीज़ ओपन हो जाएगी। YouTube ऑडियो लाइब्रेरी सबसे फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है, इस पर क्लिक करके सेम चीज़ खुल जाएगी।
अब यहाँ पर रिसेंटली इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज हो चुका है। पहले जब मैं यूज करता था इसका तो डिफरेंट था, उस पर जाना चाहते तो ऑडियो लाइब्रेरी क्लासिक जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत से बैकग्राउंड म्यूजिक और साथ ही साथ बहुत से साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, आप आर्टिस्ट ड्यूरेशन और डेट वाइज के हिसाब से चेक कर सकते हो, ठीक है। कल कुछ कुछ में आपको एट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट देना पड़ेगा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर में क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट दे भी तो कोई क्या चल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में तो देना है, सिर्फ लिखना है म्यूजिक बाय ये सब चीज़ें, ठीक है। ये तरीका है। और मेरे सबसे फेवरेट जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उनका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नंबर वन पे जो मैं हमेशा यूज करता हूँ उसका नाम है क्रॉकपॉट। बहुत से लोग पूछते हैं कौन सा यूज करता हूँ, क्रॉकपॉट। और दूसरा जो मैं हमेशा यूज करता हूँ वो है टाको बीट्स। टाको बीट्स अब अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पर हटा दिया जिसने डाला था, फिंग बीट्स ने अब शायद रिमूव कर दिया है, शायद वापस आ जाता है, तो आप लोग यूज कर सकते हो। तो ये थे हमारे तीन तरीके फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने के, जहां से मैं आज तक बैकग्राउंड म्यूजिक उठाता था, उठाता हूँ, और अब आप लोग भी ले सकते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर यूज करना जहां पर यूज कर सकते हो, वो और बेटर कर देगा, देखने वाले का एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, अपने आपके जो व्यूअर है उनका एक्सपीरियंस और बेटर हो जाएगा, आप ग्रो होंगे, मतलब इनडायरेक्टली ये सब चीजें आपको हेल्प करेगी यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर अगली वीडियो मिलेंगी, तब तक ले ताड़ा।